मैं दुआ करती हूँ कि मैं कभी याद ना हूं आपको। चाहत, चाहत उठो, चाहत आके खोलो ना, चाहत क्या हो गया तुम्हें? आज नहीं, कसम भोलेनाथ की, चार कंधों पर वापस आएगा। चाहत, चाहत उठो। चाहत आके खोलो, चाहत क्या हो गया तुम्हें? चाहत, ये क्या? आप तो मंदिर के काम से बाहर गए थे ना, फिर ये सब? गजाला भी करेली जा रही थी, वहां पर मैंने चाहत को देखा। कहीं उन लोगों ने आपको मारा पीटा तो ना ठहरा ना? अरे वो सब छोड़ो ना, मुझे उसकी चिंता नहीं है। चाहत की तबीयत ठीक नहीं है, खड़े खड़े बेहोश हो गई। वो है भी इतनी नाजुक कि पता नहीं उसका ख्याल कौन रखेगा। मुझे चाहत के लिए प्रार्थना करनी है, मैं जाता हूँ। रुकिए, आपके घाव से खून बह रहा है, मुझे पहले पट्टी करनी है, चलिए। अरे दूर हटो, नहीं चाहिए। आप चलिए मेरे साथ। ये इतनी आसानी से उस लड़की को भुला नहीं पाएगा, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा।
इसीलिए मुझे चक्कर आ रहे थे। I'm pregnant. मैं मां बनने वाली हूं। नील, अब पापा बनने वाले हैं। हमारे बीच हालात चाहे जो भी हो, मैं इतनी बड़ी खबर आपसे नहीं छुपा सकती। मैं भी जाकर नील को बता कर आती हूँ। तुम खुद को दोषी नहीं मान सकती। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत अनुभव से खुद को वंचित नहीं रख सकती। चाहत, चाहत मैं बाप बनना चाहता हूँ, और मुझे ये बात भी पता है कि तुम्हारी भी इच्छा है मां बनने की। बाप यहाँ पर एक वचन मांगा था तुझसे, तुझसे वो भी नहीं निभाया गया। मैं नील के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैं हमेशा के लिए नील की जिंदगी से दूर चले जाऊंगी। ऐसा क्या किया है बाबा मैंने? ऐसा कुछ नहीं किया। तो तुझसे मिलने के बाद नीलकंठ घायल अवस्था में घर क्यों लौटा? नहीं हो पाएगा तुझसे। जब तक तू शहर में रहेगी, ना तू नीलकंठ के बिना रह पाएगी, ना नीलकंठ तुझसे मिले बिना रह पाएगा। और तुम दोनों का ये बेबेक प्रेम मेरे बेटे के प्राण लेकर रहेगा। और ये दृश्य देखने से पहले मैं सरस्वती के पास चला जाऊंगा। क्या कर रहे हैं? मैं आपको दिया हुआ वादा नहीं भूली हूँ। इनफैक्ट बाबा, मैंने तो पूरी कोशिश की है कि मैं नील के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर सकूं। तो फिर क्यों वो तुझसे नफरत नहीं कर रहा है? मैंने कहा था तुझसे, अगर तू नीलकंठ से दूर नहीं गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरी मृत्यु का अपराध भी तुझे पर होगा। अपने बाबा को खो चुकी हूं मैं, आपको नहीं खो सकती। जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। अगर आप चाहते हैं मैं नील की जिंदगी से दूर चले जाऊं, मैं दूर चले जाऊंगी। मैं वादा करती हूं कि मैं अपनी शक्ल उन्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। अगर तू सच में अपने वचन का मान रखना चाहती है तो ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के चली जा। अभी इसी समय। बाबा, लेकिन एक बार जाने से पहले मैं नील को देखना चाहती हूँ। चले जाऊंगी, आपसे बहुत दूर चले जाऊंगी, ऐसी जगह जहां आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बस एक बार रुखसती से पहले आपका चेहरा देखना चाहती हूँ नील। पुल के पीछे नदी के किनारे शाम 5 बजे आकर मिलिए।
ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मैं तो हमेशा से जानता था ये नफरत का नाटक, मुझसे दूर रहने का प्लान ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये चाहत है कहां, ये चाहत भी ना। चलो शुक्र है उस दिन रैली में चाहत को मेरा प्यार दिखाई तो दिया। कितना बेवकूफ था मैं, बिना बात के चाहत पर उस पर गुस्से में बरस पड़ा। और आज आज सब ठीक हो जाएगा, मैं चाहत को सॉरी कह दूंगा और आज के बाद से नो झगड़ा। चाहत है कहां? चाहत, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? हाँ, और तुम बेहोश कैसे हो गई थी? क्या हो गया था तुम्हें? बहुत स्ट्रेस है नील, परेशान हो गई हूं मैं। हमारी ये मोहब्बत मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी परेशानी बन गई है। क्या सोच रहे थे हम कि हम मजहब के खिलाफ जाएंगे, लोगों से लड़ेंगे? बेवकूफ थे हम। सच तो ये है कि वाकई में हमारा रिश्ता बेमेल है। एक गैर मजहबी आदमी से मोहब्बत करके मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा गुनाह किया है। और अब अपने गुनाहों की सजा भुगतनी है मुझे। चाहत, चाहत इधर देखो, क्या कर रही हो तुम ये? चलो यहां से, कम ऑन। मोहब्बत करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अब ना तो मैं आपके बिना रह सकती हूं और ना आपके साथ। इस कश्मकश को खत्म करने के लिए मुझे अपनी जान देनी होगी नील। अधूरा रहना ही हमारी कहानी का दी एंड है। इस फसाने का अंजाम सिर्फ आंसू है। आइए नील, हम अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं। हम साथ मिलकर अपनी जान दे देते हैं ताकि हम एक ऐसी मिसाल कायम कर पाए जिसके बाद कोई अलग मजहब के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करने का गुनाह नहीं करेंगे। पाप नहीं है हमारा रिश्ता चाहत, पाप नहीं है हमारा रिश्ता। और अधूरी नहीं रहेगी हमारी लव स्टोरी चाहत। चाहत हम पूरा करेंगे ना उसको, लेकिन प्लीज प्लीज ये पागलपन बनते हो तुम। नील प्लीज दूर आइए, मैं तुम्हें बटन दबा दूंगी, आप प्लीज दूर आइए। इतनी कमजोर नहीं है मेरी चाहत, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें जबरदस्ती करने पर कौन मजबूर कर रहा है चाहत? नीला प्लीज दूर आइए। चाहत कौन है वो? कौन है वो?
कौन है? कोई मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है नील, शायद अल्लाह मियां ने हमारी किस्मत में यही लिखा है। दी एंड आ गया है नील। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है उस घटना को, फिर भी मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि चाहत जिंदा नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं। एक ही सपने का बार बार आना इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब ये ऊपर वाले का इशारा है कि चाहत जिंदा है। और वैसे भी हमने साथ में जीने और मरने की कसमें खाई थी ना। अगर नील जिंदा है तो चाहत भी जिंदा है। मुझे कसम है हमारे प्यार की, मैं चाहत को ढूंढ निकालूंगा इससे पहले कि देर हो जाए। सोचा नहीं था अचानक यूं सब छोड़ छाड़ कर दुबई चली जाऊंगे। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने बड़ी अम्मी, सत्ता में आकर आवाम की खिदमत करने के। लेकिन अब बस, बेटा जेल चला गया, बेटी रही नहीं। अब इस शहर से मन उठ सा गया। चाहत! कहीं नहीं गई आपकी बेटी, आपने उसको छुपा कर रखा है। दादी अम्मी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगी। दादी अम्मी प्लीज बताइए ना, चाहत जिंदा है ना? बड़ी अम्मी इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है, आई चलिए।
दादी अम्मी आप मुझसे बात नहीं करना चाहती ना दादी अम्मी, प्लीज आप मुझे इशारा कर दीजिए अपनी आंखों से, प्लीज दादी अम्मी, चलिए। दादी अम्मी मेरी बात सुनिए, दादी अम्मी। इस आदमी की वजह से ये नौबत आई है कि मुझे शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। आज इतना मारो इसे कि अपने ही पैरों पर चलकर अपने घर वापस जाने लायक ना रहे। दादी अम्मी अगर आपके दिल में चाहत के लिए थोड़ा सा भी प्यार है ना तो आप मुझे बताएंगी। ड्राइवर चलो।